हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। जो क्लोरोप्लास्ट वे कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट अत्यंत जटिल संरचना के कोशिकांग हैं जो हरे पादपों के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। ये एक लीप का स्ट्रक्चर बना रखा हमने और इसकी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर मेजोफिल, लोअर एपिडर्मिस और स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेजोफिल सेल्स में होता है। अब हम देखते हैं मेजोफिल सेल्स की स्ट्रक्चर। ये दे रखी है मेजोफिल सेल्स की स्ट्रक्चर, इसमें वैक्यूल है और ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट को की स्ट्रक्चर देखें हम, तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट में चट्टेनुमा थाइलेकोइड्स की स्ट्रक्चर होती है जिसे ग्रेना कहते हैं हम, और जो कनेक्टर होते हैं इनमें बीच में तो उसे स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। तथा इनमें सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है इनमें, और जो स्ट्रोमा होता है ये क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भाग होता है जिसमें हेट्रोजीनियस प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है। स्ट्रोमा में राइबोसोम 70S डीएनए अणु, निम्न अणुभार वाले आरएनए अणु तथा ओस्मियोफिलिक कणिकाएं प्रेजेंट रहती है। इन कणिकाओं को प्लास्टोग्लोबुली कहा जाता है जिनमें तेल बूंदे संचित होती है। अब हम देखते हैं ग्रेना। यह क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल भाग है। इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में ही होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनम लेमिली एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे स्टैक ऑफ कॉइंस की भांति संघन व्यवस्थित होती है और विभिन्न ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा लेमिली द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और जो एक स्ट्रेक होता है इसका, जो एक चट्टा होता है जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। और आप देखते हैं थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर। ये थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर है। थाइलेकोइड में क्या होता है कि थाइलेकोइड में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट वो क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम थाइलेकोइड की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये थाइलेकोइड की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मॉडल है। इसमें सबसे पहले ऊपर वाली लेयर होती है प्रोटीन लेयर, फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, कैरेटिनॉइड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन लेयर होती है, फिर दो प्रोटीन लेयर और फिर कैरेटिनॉइड्स होते हैं। जैसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वैसे ही फिर नीचे स्ट्रक्चर आ जाती है। ये होती है यूनिट मेम्ब्रेन इसकी, और इसकी जो चौड़ाई होती है 140 एंगस्ट्रोम की होती है। क्वांटासोम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। थाइलेकोइड की आंतर सतह यानी इनर मेम्ब्रेन पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। प्रत्येक जो क्वांटासोम होता है वो 180 एंगस्ट्रोम लंबा और 160 एंगस्ट्रोम चौड़ा होता है। तथा जो क्वांटासोम की मोटाई होती है वो 100 एंगस्ट्रोम की होती है। इसका आणविक भार 2×10^5 डाल्टन होता है। ये थाइलेकोइड कला पर अनियमित वितरित रहते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और 48 कैरेटिनॉइड्स और 46 क्विनॉन्स होते हैं।